Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fatma. Happy birthday, Mariam. No, Mariam, Fatma. अस्सलाम वालेकुम, न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट किया है और सुबह क्योंकि फ़ातिमा के गुडी बैग्स जो कि स्कूल में लेके जाने थे उसके लिए मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, तो एक पिज़्ज़ा मैंने घर के लिए भी बनाया था। और इस टाइम फ़ातिमा के बाबा आए हैं तो मैं उन्हें जो है वो पिज़्ज़ा दे रही हूँ स्नैक के तौर पे। और आज का जो व्लॉग है वो बड़ा सरप्राइज़ है उसमें, और सरप्राइज़ है फ़ातिमा के लिए क्योंकि फ़ातिमा की बर्थडे है और जिसकी वजह से फ़ातिमा के बाबा उसके लिए लेकर आए हैं केक। तो हम यहाँ फ़ातिमा को देते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा सरप्राइज़, और फ़ातिमा देखते हैं कि इस सरप्राइज़ से कितना खुश होती है। फ़ातिमा के लिए केक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Fatma. Happy birthday, dear Fatma. Happy birthday, Mariam. No, Mariam. Fatma. Fatma, Baba kya lekar aaye? Dekho. ये किसका फेवरेट केक है? मेरा। और ये कौन सा केक है? हनी केक। हनी केक। हनी केक। आ जाओ फातिमा, आ जाओ केक कट करें। आ जाओ मेरा बेटा। फातिमा करिए यहाँ अपना फेवरेट पेंटिंग। आ जाओ फातिमा, पहले बाबा को थैंक यू करो। आ जाओ फातिमा, आ जाओ। ये है फातिमा का बर्थडे केक। दरअसल फातिमा को हनी केक बहुत पसंद है, क्रीम केक हम में से कोई भी नहीं खाता और इसलिए आया है फातिमा के लिए हनी केक। मैं सोच रही हूँ तो मैं सारे मुंह में डालूं। फातिमा आप कितने साल की हो गई? सिक्स इयर्स ओल्ड। यस। मरियम ये आप क्या कर रही हैं? मरियम ने तो भाई चॉकलेट पे हमला शुरू कर दिया। नो मरियम, आई डोंट लाइक। हेलो, चलो फातिमा आ जाए बाबा चले। हल फातिमा। वन टू थ्री। हल। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर फातिमा। हैप्पी बर्थडे टू यू। फातिमा बड़ी हो गई अली मेरी बेटी अब। वाओ फातिमा, गुड जॉब। आप फातिमा खुद खाए, फातिमा आप खुद खाओ पहले। मरियम खाओ, खाओ खाओ बैठ जाओ। ओ यस। थैंक यू फातिमा। हल मरियम के खा रहा, मरियम के। ओ नाइस, हैप्पी। जी तो माशाल्लाह से फातिमा इस सरप्राइज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हैं, और फातिमा के लिए अभी एक और सरप्राइज़ है। फातिमा को टाकीज़ बहुत पसंद है और टाकीज़ चिप्स बड़े स्पाइसी होते हैं, मैं इसको ज़्यादा लेकर नहीं देती लेकिन इसको बहुत पसंद है। और इसके दो फ्लेवर हैं, अली इसके लिए ये भी लेकर आए हैं और इसको टाकीज़ भी दिए हैं। तो दोनों जो है वो बड़ी ही एक्साइटेड हो गई हैं क्योंकि मरियम समझ रही थी एक उसके लिए है लेकिन ये दोनों जो है वो फातिमा के लिए हैं। अब मरियम को भी हमने राज़ी करना है और उसको टाकीज़ फातिमा शेयर करने के लिए मना कर रही है। अब मरियम को तमाम चीज़ें समझ में आती हैं, अगर हम उसको कह रहे हैं कि हम उसको नहीं देंगे तो वो सब चीज़ें समझती है क्योंकि माशाल्लाह उसने बोलना स्टार्ट किया है, तो अब उसकी तमाम चीज़ें जो है वो समझ भी आती हैं। तो यहाँ हम फातिमा को यही समझा रहे हैं कि बहन रो रही है, आप उससे शेयर करना। तो फातिमा कहीं ना कहीं राज़ी हो गई हैं शेयर करने के लिए लेकिन दिल से बिल्कुल भी
राज़ी नहीं हुई हैं, तो ये एक छोटा सा सरप्राइज़ था फ़ातिमा के लिए, हमारी फैमिली की तरफ से एक छोटी सी सेलिब्रेशन थी, क्योंकि अगर बर्थडे दिन वाले केक ना कटे तो फिर फील ही नहीं होता है कि बर्थडे है। तो हनी केक फ़ातिमा को बहुत पसंद है, तो अली उसके लिए वही चीज़ लेकर आए, उसको जो चिप्स पसंद थे उसके लिए वही लेकर आए। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर सेलिब्रेट किया कीजिए। किसी को स्पेशल फील कराना बहुत अच्छी बात है, और फ़ातिमा को फ़ील हो रहा था कि उसकी बर्थडे है तो उसके लिए वो तमाम चीज़ें अरेंज की गई जो उसकी फेवरेट है, केक भी उसका फेवरेट, टाकीज़ क्योंकि मैं उसको खाने नहीं देती, लेकिन आज जो है वो फ़ातिमा की मौजें ही मौजें हैं। तो जैसे कि मैं जब गुडी बैग्स लेने गई थी तो एक गुडी बैग्स हमने फ़ातिमा के लिए भी बनाया था और मरियम के लिए भी बनाया था, तो मरियम ने तो जनाब लिए थे पज़ल्स। मरियम के लिए मैं ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करती हूँ जिससे उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, तो ये पज़ल बहुत ही ज़बरदस्त थे। इसमें 3 किस्म के पज़ल्स थे, एनिमल्स थे, सी एनिमल्स थे, और जो है वो कुछ कार वगैरह थी, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ जो है वो पिक्चर्स थी। तो मरियम तो बड़ी हैप्पीली होकर उसको बना रही थी, पर ये कि उसके साथ हेल्प करानी पड़ रही थी, उसको सिखाना पड़ रहा था, क्योंकि अभी उसको पहचान नहीं है। जैसे जैसे वो रोज़ बनाएगी तो उसको फिर पहचान हो जाएगी, फिर उसके साथ हेल्प ना भी कराओ तो वो पज़ल्स जो है अपने कंप्लीट कर लेगी। और फ़ातिमा जो है हमेशा की तरह उसको आर्ट बहुत पसंद है, और उसके पास आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिसमें उसका इंटरेस्ट है हम उसको ऐसी चीज़ें लेकर देते हैं ताकि फ्री वक्त में वो ऐसी एक्टिविटी करे जो कि वो दिल से करे। तो फ़ातिमा बहुत ही ज़बरदस्त कोई सेंट से रिलेटेड एक पिक्चर लेके आई थी कि उस पिक्चर पे जो है वो कलरफुल सेंट लगा के उस पिक्चर को कंप्लीट कर रही थी, और यहाँ मरियम की मैं भी हेल्प करा रही थी और उसके फादर भी हेल्प करा रहे थे, तो बहुत ही खुश थी वो अपने इन पज़ल्स से और बहुत ही दोनों एक्साइटेड थी। तो इनके गुडी बैग्स भी मैंने आज इनको दिए। फ़ातिमा को एक गुडी बैग क्लास में भी मिला था जो उसने स्कूल से आते ही अपनी जो है वो पेंटिंग कर ली थी या मार्कर से कलरिंग कर ली थी, और दूसरा गुडी बैग्स एक उसने अपनी पसंद से लिया था कि जो जब केक कट हुआ तो तब मैंने उसको दिया। तो फ़ातिमा की बर्थडे अभी सेलिब्रेट नहीं की है क्योंकि इस टाइम जो घर की हालात हैं वो बड़े ही कोई नासाजगार हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो इधर से उधर हैं, चीज़ें इधर से उधर हैं, क्योंकि मैं कर रही हूँ घर शिफ्ट। लेकिन ये एक छोटी सी सेलिब्रेशन थी फ़ातिमा के लिए, उसकी खुशी के लिए, और शायद हमारी खुशी के लिए, हमें खुशी हो गई कि चलें इसको खुश देख के हम खुश हो गए। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर सेलिब्रेट किया कीजिए, और अपने बच्चों को हर कोई खुश रखने की कोशिश करता है, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि इनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात को पूरा करें। और मरियम यहाँ मेरी हेल्प करा रही है और उसको सिखाती हूँ अभी से ही कि मेरी हेल्प कराया करे, ये नहीं कि सारी चीज़ें वो समेटेगी, क्योंकि ये पज़ल जितनी दफ़ा खुले हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ मैं ही लगा सकती हूँ। ये तो आप जो है वो उस टाइम आप लोगों के लिए मैंने कैप्चर किया था क्योंकि इसने ये पज़ल रख दिए थे, लेकिन रात जब तक ये सोई नहीं तो उस पज़ल से खेलती रही। और मरियम की एक आदत है जो वो न्यू टॉय लेती है तो वो फिर अपने साथ बेड पे लेके सोती है। तो माशाल्लाह बड़ी ही कोई हैप्पी थी दोनों, और फ़ातिमा ने अपनी पिक्चर कंप्लीट कर ली माशाल्लाह, बहुत प्यारे कलरफुल पिक्चर ये बनाई थी। और सबसे बड़ी चीज़, सेंट जहाँ जहाँ थोड़ी ले रह गई थी तो फिर फ़ातिमा ने उसका यूज़ थोड़ा थोड़ा करके और अपनी पिक्चर को जो है वो बिल्कुल कम्प्लीट किया। उसको रैम्बो से रिलेटेड 7 कलर बहुत पसंद है, तो वैसा तो नहीं बना पर माशाल्लाह बहुत ही कोई ज़बरदस्त फ़ातिमा का ये आर्ट जो है वो था, और माशाल्लाह इसकी पिक्चर भी कंप्लीट हो गई। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, और ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की। फ़ातिमा माशाल्लाह 6 साल की हो गई हैं, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिए। अल्लाह पाक मेरी बच्चियों को सेहत तंदुरुस्ती दे और उन्हें नेक सौले करे, उनके नेक नसीब करे। होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।